कि रात भर इसे पढ़ने का अवसर ही न मिल पाए। पर उसे नहीं पता कि जिन कठिनाइयों की राह पर वो चल पड़ा है वो मगध की राजगद्दी तक जाती है। मैं चंद्रगुप्त झूठा हूं और ये वचन देता हूं कि फिर कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग यहां तुम्हें पढ़ने देना ही नहीं चाहते। आचार्य, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं और वो आंबिक मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दे रहा। हर बात में षड्यंत्र, ऐसे कैसे मैं 3 वर्षों की पढ़ाई 3 माह में पूरी करूंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी कक्षा में आना होगा। आचार्य, 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 विचित्र बात है, कक्षा में बुलाया और द्वार ही बंद कर लिया। बात हुई आचार्य, आपने स्वयं ही मुझे मेरी समस्या का हल बताने के लिए यहां बुलाया था और आपने भीतर से द्वार बंद कर लिया। मैं क्या बताऊं चंद्रगुप्त, समस्या का हल तुमने स्वयं ही ढूंढ लिया। तुम्हें मुझसे उत्तर चाहिए था तो तुमने भीतर आने का मार्ग ढूंढ लिया। इसी तरह कोई कितने भी द्वार बंद कर दे, जिसके हृदय में विद्या को पाने की सच्ची चाह होती है वो विद्या को पाने का मार्ग ढूंढ ही लेता है, जैसे तुमने अभी किया। कब तक और कहां कहां तक तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूंगा चंद्रगुप्त? सबको अपनी राह स्वयं ही खोजनी पड़ती है। युद्ध क्षेत्र में चाणक्य के मात्र विचार ही तुम्हारे साथ होंगे। युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा और एक योद्धा के लिए युद्ध क्षेत्र कहां नहीं होता। पग पग पर युद्ध चल रहा है यहां, युद्ध तुम्हें लड़ना है और विजयी बनना है। पग पग पर चलने वाले इस युद्ध में आपके विचार हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करेंगे आचार्य। क्या आपके पास ऐसे भोजपत्र हैं जिनमें सारे श्लोक हों? यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें याद करूंगा आचार्य।
प्रणाम आचार्य। सरस्वतीयं विद्यानां देवता ज्ञानदायिनी अस्यावरद हस्तेन ज्ञानवान् खलु मानवः हंस श्वेत बकश्वेत कोभेदो बक हंसयो निरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसो बक बकः सद्वर्तनं च विद्वत्ता तथा ज्ञापन कौशलं शिष्टप्रियत्वमेतद्धि गुरोर्गुण चतुष्टयं अर्थेन भेषजं लभ्यं नैहारोग्यं कदापि च अर्थेन कंत संभार ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नता सुवर्णं हि यथा श्रेष्ठं सर्वधातु सुगण्यते तथा गुणेषु सर्वेषु सौजन्यं श्रेष्ठमुच्यते। अयम् निजः परो वेति गणना लघुचेतसा उद्धार चरितं तु वसुदेव कुटुंबकम्। बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, बहुत अच्छे। अब तुम हमारी पहली प्रायोगिक कक्षा के लिए तैयार हो चुके हो। विजयी भव। प्रणाम आचार्य। आचार्य, चंद्रगुप्त की बात एकदम सही थी। कल जो भोजपत्र चंद्रगुप्त से चोरी किए गए थे वो आज गुरुकुल की उजाड़ कक्षा में पड़े मिले हैं। आचार्य, अवश्य ही ये आंबिक द्वारा रचित कोई षड्यंत्र है। आंबिक को दंड है और ऋषालु भी, परंतु अकेले ऐसे षड्यंत्र की योजना बनाने में सक्षम नहीं है। चतुर किंतु चाटुकार लोग हैं इसके पीछे। तो आप जानते हैं आचार्य कि इसके पीछे कौन है? आज हम तुम्हें सहनशीलता के विषय में प्रायोगिक स्तर पर पढ़ाएंगे। अपने तन से लेकर मन पे काबू। युद्ध में योद्धा को तरह तरह के घाव लगते हैं, किंतु आदर्श योद्धा वही होता है जो इन घावों की पीड़ा को हंसते हंसते सहते हुए युद्ध के अंत तक टिका रहे। किंतु इस पीड़ा को सहने के लिए बड़ी सहनशीलता की आवश्यकता होती है। चलो आज हम आंभी कुमार से आरंभ करते हैं। आओ आंभी। साधु कुमार, साधु। अब कौन आएगा? इस नए विद्यार्थी को अवसर दें। क्यों बालक, करोगे हिम्मत? अवश्य आचार्य, क्यों नहीं। चलो आज देखते हैं कि तुम इस बड़ों की कक्षा के योग्य हो भी या नहीं, और ये भी देखते हैं
कि कितनी सहनशीलता है तुम्हारे शरीर में, मन में, आत्मा में। नई सोच को बढ़ावा दो और अब आचार्य सुखदेव इसी नई सोच से चंद्रगुप्त को तैयार करेगा और वो स्वयं हाथ जोड़कर गुरुकुल से भागने का मार्ग भी मुझसे ही पूछेगा। चंद्रगुप्त, क्या बात है, आज तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम इन बड़ों की कक्षा के योग्य हो। इच्छित विद्या अपनों से, परायों से, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, हर मूल्य पर उसका लक्ष्य केवल विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले, गुरु जो सिखाए उसे सीखो। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सीखूंगा और आपकी दृष्टि में इस गुरुकुल का सबसे आदर्श विद्यार्थी बनूंगा। कसम है मुझे मेरी माँ की, उसे मुक्त करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूंगा। आचार्य सुखदेव, क्या हो रहा है आचार्य श्रेष्ठ? आप ही ने तो कहा था कि नई सोच को बढ़ावा देना चाहिए और मैं उसी नई सोच के साथ चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर रहा हूं। बस तुम मुझसे कुतर्क कर रहे हो आचार्य। नहीं आचार्य, मैं आपसे कुतर्क नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब आपने मेरी बात मानी थी। क्यों चाणक्य, यही तय हुआ था ना हमारे बीच? यदि आपको या आचार्य श्रेष्ठ को कोई मेरे साथ असहमति है तो मैं चंद्रगुप्त की शिक्षा अभी रोक देता हूं। नहीं आचार्य सुखदेव, आप उचित कह रहे हैं। त्रुटि तो हम में है, आपकी शिक्षा के बीच आप अपना ये शिक्षा कार्य बीच में ना रोकें। आपकी कक्षा, आपके विद्यार्थी, हमारा हस्तक्षेप क्षमा करें। धन्यवाद। रुक क्यों गए, मारो इसे। आ, 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 आ,
बहुत हो गई सहनशीलता की शिक्षा। हटो तुम लोग। छोटा सा बालक, हमें भगतपति नरेश धनानंद को चुनौती देकर गया था वो, परंतु हमने उस बीज के अंकुरित होने से पहले ही मसल दिया। इस प्रोग्राम बाजुबन, मेरा बाजुबन, मां तुम्हारी अंतिम निशानी था वो, कहां गया? आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा मां, कभी नहीं। हमारे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए साधु महाराज। जिसके साथ जीवन पक पक पर कष्ट और अपमान से ओत प्रोत है, उसके लिए दीर्घायु की कामना करती हैं आप? मान अपमान मेरा भाग्य, पर वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं साधु महाराज, मेरा सुहाग है, मेरा सौभाग्य है। उनकी दीर्घायु की कामना करना मेरा पत्नी धर्म है। त्रिगर्दा, आपने फिर से बुला लिया है साधु को महल में। महारानी जी, इस राज्य में वही होता है जो हम निर्धारित करते हैं, हम लिखते हैं यहां का भविष्य, फिर आप इससे क्या पूछती रहती है? इतना अहंकार उचित नहीं है राजन। त्रिगड़दा, हो सकता है तुम्हारे विनाश का बीज यहीं
आसपास पनप रहा हो। त्रिगड़ा त्रिगड़ा यही यही कहा था उस बामन चाणक्य ने, लाया था हमारे लिए वो विनाश के बीज, वो छोटा सा बालक हमें मगधपति नरेश धनानंद को चुनौती देकर गया था वो, परंतु हमने उस बीज के अंकुरित होने से पहले ही मसल दिया। त्रिगड़ा त्रिगड़ा साधु महाराज, मार दिया हमने उसे, दादा त्रिगड़ा त्रिगड़े निकालो इस पाखंडी को हमारे महल से। त्रिगड़ा मेरी बात याद रखना, एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा। अब चाहते क्या है आचार्य? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मैं करूंगा उसकी समूची शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ताकि एक दिन वो मगध के राज सिंहासन पर बैठ सके और यहाँ से समस्त भारत को एक अखंड राज्य में बदल दे। उस बीज के अंकुरित होने से पहले उसे मसल दिया। एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा। चंद्रगुप्त और यहाँ से समस्त भारत को एक अखंड राज्य में बदल दे। बस एक मौका और मिल जाता ना मारने के लिए तो दांत तोड़ देता मैं चंद्रगुप्त के। अरे तू किया क्यों नहीं शशांक, फिर कैसा लगता वो बिना दांत का? आज तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाने का अंतिम दिन था। यदि अब तुमने मुझ पर उंगली उठाने का भी साहस किया ना, तो तुम्हारी ऐसी गत बनाऊंगा कि तुम्हारे भीतर भिन भिन आने वाले ये जो मच्छर है ना, ये भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अरे देखो देखो देखो, इसे गुर्रा रहा है हम पर, आंबिक कुमार पर पुरस्कार मिलना चाहिए इसे इस बात का, ऐसा साहस। जितनी धुलाई आज हमने इसकी की है, उसके बाद कोई भी समझदार होता तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चुपचाप पतली गली पकड़ ले, और ये चूहा हम पर गुर्रा रहा है। बस संबिक, बस। आज मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देने आया, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। तो चलो आज दिखाई देते हैं इसको अपना असली बल। छोड़ो ना अंबिक, जिनकी शिराओं में राजसी रक्त होता है वो अपनी प्रजा का सर उठने से पहले ही कुचल देते हैं। तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी ये बातें, इसलिए तुम इस पचड़े से
दूर ही रह सकते हो अक्षय। पिताश्री को पता चल गया तो अपनी पूरी सेना भेजकर तुझे कुचल के रख देंगे। कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? शशांक, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो मैं यहां से। मैं खुद करता हूं। रुक जाओ शशांक। जी, मुझे लगता है हमें आंबिक की मदद करनी चाहिए। क्यों? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये दृश्य देख के। कितने समय के बाद यहाँ कुछ सही हो रहा है। तू भी इस दृश्य का आनंद ले रावत। तुम इसे योग्य हो आंबिक। ये शिक्षा तो मुझे तुम्हें बहुत पहले देनी चाहिए थी, तब नहीं तो अब सही। जो अपने गुरु की आज्ञा से मैं चुप था, दुर्भाग्य से उसे तुमने मेरी दुर्बलता समझ ली। अब तुम किसी दरिद्र को सता नहीं पाओगे आंबिक। मैं चाहूं तो आज कुछ भी कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं। मैं तो बस तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि जब कोई इतना असहाय हो जाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी मिटने लग जाती है, तब कैसा लगता है।
आचार्य सुखदेव, आप भी जानते हैं और मैं भी कि आज जो कुछ चंद्रगुप्त के साथ कक्षा में हुआ वो प्रशिक्षण तो नहीं था। तो चाणक्य, ये तुम ही कहा करते थे ना कि युद्ध और प्रेम में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। मुझे नीचा दिखाने के अति उत्साह में कदापि आप ये भूल गए कि वो बालक जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की है, जिसकी आपसे कोई निजी शत्रुता नहीं है, जिसने आपको ना तो कोई हानि पहुंचाई है और ना ही आपका अपमान किया है, जबकि उसे किन किन निकृष्ट यातनाओं का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि आंबिक और उसके मित्र भी वर्षों से आ रही गुरुकुल की मर्यादा और आचार व्यवहार की शालीनता को एक सिरे से भूलते जा रहे हैं, जिन्हें इस स्वयं में सीखना और आत्मसात करना कितना आवश्यक है। आपसे किसी भी स्तर की स्पर्धा और संघर्ष के लिए उपस्थित हूं मैं, किंतु उस बालक को शिक्षा पूरी करने दीजिए आचार्य। गेहूं के साथ साथ घुन तो पिसेगा ही चाणक्य। मैंने बड़े ही धैर्य से वर्षों प्रतीक्षा की है इस अवसर की। मेरे देखते ही देखते तुम गुरुकुल में प्रसिद्ध हो गए, मेरी आंखों के सामने मुझसे महत्वपूर्ण हो गए, राजाओं के बीच तुम्हें विद्वान घोषित कर दिया गया। मेरे हाथ अब जाके ये अवसर आया है चाणक्य, और इस अवसर को मैं अपने हाथ से किसी भी मूल्य पर जाने नहीं दूंगा। फिर इसके लिए तुम्हारा लाया हुआ वो बालक जिसे तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कहते हो, यदि वो इस गुरुकुल का सबसे घटिया विद्यार्थी सिद्ध होता है तो हो। किंतु ये उचित नहीं है आचार्य। अब कम से कम तुम तो उचित अनुचित की बातें मत करो चाणक्य। यदि मैं तुम्हें सही तरह से समझ पा रहा हूं तो तुम भी उस बालक का प्रयोग अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हो, है ना? उस बालक का क्या महत्व है मेरे लिए, क्या महत्व है मेरे गुरुकुल के लिए और क्या महत्व है मेरी मातृभूमि के लिए, यह आप समझ नहीं पाएंगे और ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। मुझे खेद है किंतु क्या किया जाए, सीमाएं होती हैं समझ की सबकी अपनी अपनी। आचार्य, आचार्य, चंद्रगुप्त। क्या हुआ चंद्रगुप्त को शशांक? आंबिको गड्ढे में। थैंक यू कुदाल। इस बालक ने मुझे दंड देने के लिए विवश कर दिया है, आशा करता हूं कोई मेरा विरोध नहीं करेगा और ना ही कोई बोलेगा बीच में आचार्य चाणक्य। नहीं बोलेंगे आचार्य, आपको जो दंड देना है अवश्य दें, स्वीकार है। क्या कर रहे थे तुम? इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। मृत्यु तो मेरी भी हो सकती थी आचार्य, पर क्या मेरे बारे में किसी ने सोचा? क्या मेरे लिए किसी ने कुछ किया? तो फिर ये व्यर्थ की चिंता किस लिए आचार्य?
मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर सकता हूँ, पर यदि आप में से कोई यहाँ पर आज नहीं आता ना, तब भी इन्हें इस गड्ढे से निकालने का सामर्थ्य मुझ में था आचार्य। पर इन्हें भी असहाय होने का अनुभव मिलना चाहिए आचार्य। निकालो उसे। आचार्य श्रेष्ठ, इसने मुझे दंड देने के लिए विवश कर दिया है। आशा करता हूं कोई मेरा विरोध नहीं करेगा और ना ही कोई बोलेगा बीच में आचार्य चाणक्य। नहीं बोलेंगे आचार्य, आपको जो दंड देना है अवश्य दे, स्वीकार है। बहुत खुश हूं मैं आज, ये सब तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। जो वचन तुमने मुझे दिया था वो वचन तुमने तोड़ दिया चंद्रगुप्त। और आपके वचन का क्या आचार्य, जब वो सब मुझे इतनी निर्दयता से पीट रहे थे, आप बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यदि आप चाहते तो आप उन्हें रोक सकते थे, पर आपने एक शब्द तक नहीं बोला। आचार्य, क्या ये मेरा अपराध था कि मैं योद्धा बनना चाहता था? कि ये मेरा अपराध था कि मैं कुछ सीखना चाहता था आपसे, इस गुरुकुल से और सबसे? क्या ये मेरा अपराध था आचार्य? इसमें तुम्हारी छात्रवृत्ति की धनराशि है, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। आज से तुम स्वतंत्र हो। जब पूरा गुरुकुल ही मेरे विरुद्ध मेरा शत्रु बन गया हो तो मैं कैसे छुड़ाऊंगा अपनी मां को? किंतु चंद्रगुप्त, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आचार्य। मैंने सबको देख लिया, अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? ऊपर आओ। परंतु मेरे दंड का अंतराल अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? छात्रवृत्ति की धनराशि, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। आज से तुम स्वतंत्र हो। और जाने से पहले तुम्हें इसे मुझे देकर जाना पड़ेगा। आप ये क्या कर रहे हैं आचार्य? अब तुम
तुम इस बाजूबंद के लायक नहीं। ये मेरी माँ की निशानी है आचार्य। जब माँ को दिया हुआ वचन निभा नहीं सकते तो उसकी निशानी रखने का क्या अधिकार है तुम्हें? मैं अपनी माँ को बचाऊंगा आचार्य। नहीं बचा सकते, और ये बात तुम भी जानते हो। अब तुम वीर यात्रा पर नहीं जाओगे और ना ही तुम्हें दैवी कवच पुरस्कार में दिया जाएगा, क्योंकि तुम में इन सब के लिए जैसा चाहिए वैसा धैर्य है ही नहीं। इसलिए अब ये बाजूबंद मेरे पास रहेगा, समझ लो कि गुरु दक्षिणा दी है तुमने मुझे। मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त चला गया यहां से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध शास्त्र की उच्च शिक्षा का तनाव सह पाना उसके बस की बात नहीं है, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने हट किया। आचार्य, अब यह तो नहीं हो सकता कि वो नियम भी तोड़े और मैं दंडित करने की बात भी ना करूं। आचार्य, एक बात कहो, योद्धा वाली कोई बात उसमें है नहीं? वो आएगा आचार्य। नहीं आएगा।